नमस्कार, कूल स्टाइलिश फ्रेंड्स प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और लगातार इस देश के सबसे बड़े चुनावों को, लोकसभा चुनावों को समझने, उसमें जनता के मुद्दों को पूछने, उसमें चल रही सियासत को जानने और उसके बाद इस देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर उन नब्जों को टटोलने की जो हमारी कोशिश है, जो हमारा चुनावी रथ है, वो उसका आना जाना और उसका आगे बढ़ना बदस्तूर जारी है। और इसी क्रम में हम उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। सुबह आपने एक जबरदस्त चाय पर चर्चा देख ली। यूं तो चाय जैसे जैसे खोलती है वैसे वैसे वो चर्चा भी कर्म हुई, लेकिन इसके साथ हमें लगा कि युवाओं के हिस्से की बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। और बलिया का अपना राजनीतिक इतिहास रहा है साहब, जहां वहां युवा निकलते हैं और ऐसे ऐसे युवा निकलते हैं जो इस देश की राजनीति में, जो इस इलाके की, इस क्षेत्र की राजनीति में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो युवाओं के हिस्से की बात क्या है, युवा क्या सोचते हैं, छात्र राजनीति के कभी केंद्र रहे बलिया को, बलिया में कई ऐसे युवा भी आपको दिख जाएंगे जो विचारधाराओं से जुड़े हैं और अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने दलों के पक्ष में क्या तर्क रख रहे हैं, अपनी बिरादरी के बीच में, तमाम अपने हमउम्र लोगों के बीच में कैसे प्रचार से लेकर तमाम चीजें हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो पीछे कई सारे लोग यहाँ मौजूद और इन सबके साथ यही चर्चा और इसी बातचीत की शुरुआत जो मैंने शुरू में कहा, आप लोग तमाम अपने अपने उम्र के लोगों से और उससे आगे पीछे और अलग अलग लोगों से मिलते होंगे, लेकिन मूल जो बातचीत मैं करना चाहता हूँ वो युवाओं के मुद्दे पर केंद्रित रखना चाहता हूँ। तो चाहे राजनीति किसी भी पक्ष की हो और आपकी विचारधारा कहीं भी और जुड़ी क्यों ना हो, युवाओं के हिस्से में क्या है और युवाओं को मिल क्या रहा है और वो देखना क्या चाहता है, यहीं से शुरू कर लेते हैं। देखिए, देश में अराजकता का माहौल है। रही युवाओं की बात, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में जो उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो जो फीस स्नातक में बीए बीएससी बीकॉम की है वो 10,000, जो पहले 1-2 हजार हुआ करते थे उसमें सीधे 400 गुना वृद्धि है। कहीं 4,000, कहीं 8,000, कहीं 12,000 तक फीस ली जा रही है और जहां सेल्फ फाइनेंस स्ववित्त पोषित है वहां 20-20 हजार तक फीसें ली जा रही है। तो युवा इसमें छला महसूस कर रहा है। सरकार को उच्च शिक्षा की गुणवत्ताओं पर ध्यान देना चाहिए और जो फीस स्ट्रक्चर है वो समान करना चाहिए, जो एक गरीब लड़के के लिए फीस स्ट्रक्चर हो वो भी एक औसत लड़कों के लिए हो, और फीस में जो बेतहाशा 400 गुना ज्यादा वृद्धि अभी तक की गई है उसको वापस लेते हुए और एक मिनिमम फीस निर्धारित करनी चाहिए। साथ ही मैं बलिया हमारा बहुत पिछड़ा है रोजगार के मामले पे। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया के नाम पे एक औद्योगिक, मतलब एक उद्योग नहीं है। सरकार का इसी ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बलिया की बढ़ती आबादी और शिक्षा लेने के बाद लोग बेरोजगारी यहाँ बहुत है। यहाँ कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, कोई औद्योगिक इकाई नहीं है जिससे यहाँ के बेरोजगार युवाओं को बाहर ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, मुंबई महानगरों में जाना पड़ता है रोजी रोटी के इंतजाम में। क्या नाम आपका? मैं अमित दुबे, सभासद सिविल लाइन बलिया। अब अमित जो कह रहे हैं वही सवाल मैं पूछूं कि दो बातें जो मूल रूप से उठी, एक शिक्षा का महंगा होना और दूसरा रोजगार की समस्या, क्या इन विषयों पर राजनेता बात करते और उससे की राजनीति होती दिखाई देती है? मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं। सहमत इस बात से हूं कि 2014 से पहले इतिहास भारत में आज तक कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन 2014 के पास अगर किसी भी शहर में, किसी भी जिले में अगर विकास चाहिए तो सबसे पहले वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रोड की कनेक्टिविटी का। और इसके पहले की जितनी भी सरकारें रही हैं, मुझे गर्व है इस बात का कि 2014 के पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यहाँ पे वीरेंद्र सिंह बस 2014 में पहली बार सांसद बने। उसके बाद फिर इसके बाद नीरज शेखर जी अभी जस्ट आ रहे हैं। तो इन 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 पीरियड में आप यहां देख सकते हैं कि बलिया में डबल ट्रैक हुआ, और आप अभी अगर बाहर से, बनारस से या फिर बाहर से आ रहे होंगे तो जो रोड थी उसकी भी कनेक्टिविटी बढ़ी है। रोडों का एक विशाल जो संग्रह है वो बन रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो मुझे 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 निश्चित रूप से, जहां तक बात हो रही है इंडस्ट्री की, तो जब शहर से और बड़े बड़े शहरों से जब रेल की कनेक्टिविटी होगी, रोडें चौड़ी होंगी, तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय होगा उसमें डेवलपमेंट होंगे, कल कारखाने भी लगेंगे और व्यवसाय, सारी चीजें बढ़ेंगी। आप, मैं जान रहा हूं जो आप चाह रहे हैं कि मैं वो पूछूं। आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक सोनी है। अभिषेक, ठीक है, जो आपने कहा ना, मैं एक करके सारे मुद्दों को पहले ले लूं फिर उसका चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी जी, मेरा नाम अंगद मिश्रा फौजी है, चूंकि मैं फौज से रिटायर हूं। ये बलिया जिला जो है बागियों तेवर से जाना जाता है। यहाँ पे आजादी के बाद से एक भी कारखाना नहीं लगा, जबकि बलिया के नाम से बहुत लोग बना, देश के प्रधानमंत्री भी बलिया ने दिया, उसके बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ पे सांसद बने। मैं यहाँ पे एक रोजगार था जो बलिया में, वो भी रोजगार
देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी समाप्त कर दिया, वो फौज की नौकरी। यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है, बट यहाँ बलिया जिला के आपको हर फौज में यहाँ पे लड़के मिलेंगे जो जाके देश के सेवा करते हैं, उसको भी ले आकर मोदी जी 4 साल कर दिए, जो बेरोजगार कर दिए, अपने 75 साल होके भी तीसरा टर्म मांग रहे हैं मोदी जी, और नौजवान साथियों को 4 साल में घर भेज रहे हैं कि जाओ आप यहाँ नौकरी करके फिर वहां जाके, वहां पे मेरे ऑफिस में, बीजेपी ऑफिस में एक मंत्री इनका बोला था कि यहाँ नौकरी करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड के ड्यूटी करना। इतनी कितनी शर्म की बात है, जो देश सेवा करना चाहता है उसका पेंशन समाप्त करने का भी योजना लगाए हैं, लोग त्रस्त हैं, उसके बावजूद भी इनके मंत्री बोलते हैं कहीं नौकरी ना मिलेगा तो मेरे ऑफिस में आ जाना, दरवान के नौकरी करना, चपरासी के नौकरी करना, ये नौकरी व्यवसाय दे रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, पूरे बलिया जिला में लाखों नौजवान फौज के लिए रोज तैयारी करते हैं, आप गली में घूम के देखिए, रोडों पे सुबह से लेकर शाम तक दौड़ लगाते हैं और जाते हैं वहां पे नौकरी के लिए तो उनको लाठी मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, जितना पेपर लीक हुआ पूरे नौजवान त्रस्त हैं। यही जोगी सरकार आया था और बोला था कि आज के जो सपा सरकार में पेपर लीक होता था, मेरी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। आज के डेट में देखिए, यहाँ तक कि यूपीएससी के भी परीक्षा पेपर लीक हो गया, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरे जिले के नौजवान, भले भाजपा के हो, बसपा के हो, सपा के हो, हर नौजवान का उम्मीद है सनातन पांडे जी से। और देश के राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने पहले ही वादा किया है घोषणा पत्र में कि हम मोदी जी जैसा 2 करोड़ रोजगार नहीं देंगे प्रतिवर्ष, हम जो है मात्र 30 लाख जो भर्ती खाली है, जो पद केंद्र सरकार में खाली है, यदि हम सरकार में आते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो उसमें पहला काम, पहला साइन हम भर्ती करेंगे, रोजगार पे साइन करेंगे। इसलिए हमारा मुद्दा यह है, लोगों से भी अनुरोध है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी मत से नौजवान साथी जिताएं, ताकि अपना रोजगार हाथ में। और एक बात बता रहा हूं, जिस दिन राहुल गांधी जी यहां पे सरकार या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो जो योजना में अग्निवीर गए हैं, जो उनको निकाला जाएगा, उनको भी परमानेंट करने के बोले हैं और ये योजना रद्द करेंगे। इसलिए नौजवानों से ठीक है मैं, हाँ, अब कई सारे मुद्दे आप लोगों ने सुन लिए और मैं यही चाह रहा हूँ आराम से ना मुद्दों की बात आ पाए, हिस्सों की राजनीति खूब होती है और अभी आप लोग बाहर निकल के खूब करेंगे। क्या नाम? रानू पाठक। रानू भाई ये बताओ कि आप लोगों के हिस्से का मुद्दा क्या है, क्या सोचकर वोट देने की सोचता है युवा? युवा बेरोजगार है अभी फिलहाल, उन्हें रोजगार की तलाश है। हम लोग जब पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक अगर आप खबर प्रकाशित करते हैं अपने अखबारों में तो आपको जेल भेज दिया जाता है। युवा पूरी तरीके से परेशान है। हमारी उम्र होती है 23 से लेकर 32 तक उम्र में हम नौकरी ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। हमारे पास हम पढ़ लिख करके पेपर देने जाते हैं या फिर किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे उन चीज़ों को हम पा नहीं पाते हैं, तो हम क्या करेंगे उसके बाद? हमारे लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। और बलिया की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे अस्पताल भेजते हैं, वहाँ पे वो रेफरल अस्पताल बन के रह गया है। यहाँ पे अभी हिट वेव पिछले साल आया था जिसमें सैकड़ों लोग की जान गई थी। यहाँ पे अस्पताल में बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, बिजली पानी सड़क चिकित्सा सब बेकार पड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी देखिए, जहाँ तक बिजली की बात है, पहले की सरकार की अपेक्षा इस गवर्नमेंट में बिजली का नवीनीकरण हुआ है, नए नए ट्रांसफार्मर आए हुए हैं और लगे भी हैं और कई जगह लग भी रहे हैं। और माननीय नीरज शेखर जी जो प्रत्याशी हैं भाजपा से, उन्होंने अपने लोकसभा फंड से, राज्यसभा फंड से स्पेशल प्रत्येक जहाँ जहाँ पर 100 केवी का था वहाँ पे 200-200 केवी का ट्रांसफार्मर मंगवाए हैं, लग रहे हैं। युवाओं को क्यों लगता है कि उनको किसी भी पक्ष में वोट देना चाहिए, क्या दिखता है? देखिए, विकास को देख करके वोट करना चाहिए। और नहीं, देखिए सरकार ने कोई भी ऐसा पत्र नहीं दिया है कि गोंड़ या खरवार का प्रमाण पत्र रोका जाए। यहाँ पर लेखपाल हिलावाली कर रहे हैं और चुनाव को देखते हुए इस पर हम लोग, चुनाव के बाद इस पर हम लोग जो लेखपाल जी सत्येंद्र गोंड जी, सत्येंद्र जी, हाँ आराम से मैं ना पहले थोड़ा सा मुद्दा टटोल लूं। मुझे मालूम है कि वो करना बहुत जरूरी होता है पर वो नहीं करना है, इसलिए धूप छोड़कर छांव में बैठाया है कि गर्मी कम आए। जी क्या नाम आपका? सूरज तिवारी नाम है हमारा। सूरज,
युवाओं के हिस्से की बात वापस मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को क्या पक्ष दिखाई देता है अपने हिस्से का? युवा सभी वर्गों को लेकर चलते हैं, युवा महिलाओं को भी लेकर चलते हैं, युवा बुजुर्गों को भी लेकर चलते हैं, युवा अपने से छोटे बच्चों को भी लेकर चलते हैं और अपने सभी साथियों को भी लेकर चलते हैं। युवा केवल अपने अपने मुद्दे पे वोट करने नहीं आता है, वो वोट करने आता है महिला सुरक्षा पे, वो वोट करने आता है कि अगर हम भाजपा से हैं तो हमने भी कोई क्राइम किया है, हमने भी कोई गलत किया है तो हमारा कोई पक्ष नहीं लगा। युवा इस बात पे वोट करने आता है कि एमएसएमई के तहत 24,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं और वो सबसे बड़ा रोजगार है लोगों के लिए, स्वावलंबन बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए। युवा शिक्षा पे भी देने आता है, अब गवर्नमेंट स्कूलों में देखे अभी भी फीस 200 300 400 500 600 है। अब जिनको भी एयरप्लेन से यात्रा करनी है उसमें कई प्रकार के क्लासेस होते हैं, इकोनॉमिक क्लासेस होती है, बिजनेस क्लासेस होती है, आपको प्राइवेट में पढ़ना है उसका आपके पास ऑप्शन है। सरकार ऐसा नहीं कहती है कि आप गवर्नमेंट विद्यालयों में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो युवा हर एक बातों पे लेगा कि वोट करेगा, युवा वोट करेगा कि हमारा देश कैसे विश्व स्तर पे आगे की पंक्ति में खड़ा रहता है, युवा इस बात पे वोट करेगा कि 2047 तक भारत विकसित बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी कैसे बात करते हैं। आप लोग में जब आप कह देंगे तो ये और आप भी शामिल हो जाएंगे साथ में। यही सवाल मैं पूछता हूँ आप लोगों के हिस्से का, वोट देने से पहले क्या मुद्दा है और क्या सोचकर वोट होता है? I vote for employment and I want to change this present government. आपको क्यों लगता है कि अगली सरकार अगर आएगी तो वहाँ employment मिलेगा? Because BJP government promised a lot but they did not fulfill their promises yet. So now I would like to give chance to other government. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये गुस्से का वोट ज्यादा है या दूसरे के promise में commitment ज्यादा दिख रहा है? Sir, दूसरे के promises में commitment ज्यादा दिख रहा है। उसका आधार सिर्फ लिखा इसलिए? मैनिफेस्टो उनका। मैनिफेस्टो तो दोनों तरफ है ना, यही मैं पूछ रहा हूँ अगर लिखना आधार है तो क्यों कोई एक प्रॉमिसिंग लगता है? बिकॉज सर जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो करीब करीब 10 ईयर्स से हमारे साथ, ठीक है। सो मैं इस गवर्नमेंट को इसलिए चेंज करना चाहती हूँ कि अब मैं उनको चांस देना चाहती हूँ कि वो क्या करते हैं सर उस बेसिस पर। आपका नाम? अंजलि। मैं यही शब्द जानना चाहता हूँ कि चांस है और आप लोग चांस देना चाहते हैं। अक्सर ये होता है कि वोटर चांस देते रहता है और 10 साल बाद बोलता है अब इनको चांस दे लेते हैं, कमिटमेंट क्यों दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ, मतलब मैंने मना नहीं किया, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं जॉब पर वोट देना चाह रही हूँ तो मैं बोला किसी के, मेरा सवाल जो था, चलिए मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, वो ये था। मैं दोनों के, मैं सवाल लेकर आ जाता हूँ। सवाल ये था कि एक तरफ और दोनों तरफ घोषणा पत्रों में तो दोनों बातें लिखी है, तो कन्विक्शन कैसे आता है? इम्प्लीमेंट कराया है। देखिए अखिलेश यादव की सरकार में 112 नंबर जो एम्बुलेंस दी गई थी महिला सुरक्षा के लिए, महिला हेल्पलाइन हम लोगों ने जारी किया और उसको आपने चेंज करके 112 कर दिया 100 को। 1090 महिला हेल्पलाइन थी वो 112 हुई, 100 को 112 बता रहे हैं, पुलिस हेल्पलाइन थी वो 112 हुई। सारी योजनाएं तो सपा के तथ्य मुझे ठीक करने पड़ रहे हैं, धन्यवाद। सारी योजनाएं तो हमारे सरकार की थी, बस आप लोगों ने नाम बदलने का काम किया है। और किया क्या है इन्होंने? हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, शमशान से कब्रिस्तान की बात करना, मंदिर से मस्जिद को तोड़ना, इसके अलावा और इनके पास कोई चारा मुद्दा नहीं है। केवल ये मोदी और योगी की बात करेंगे, मुद्दों की कभी बात नहीं करेंगे। मुद्दों पे आएंगे आपने, तो आपने आपने जिस तरीके से आपने आपने जिस तरीके से इन बातों को कहा कि भारतीय जनता पार्टी मस्जिद और मंदिर की बात करती है, मैं इतने लोगों के सामने ये कहता हूँ कि आज जब से अयोध्या मंदिर बना है क्या वहाँ मस्जिद और मंदिर की बात हो रही है? पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि मस्जिद भी बनना चाहिए और मंदिर भी बनना चाहिए। मस्जिद के लिए भी जगह दिया गया और श्रीराम मंदिर का भव्य मंदिर मिला जो हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। दूसरी बात, आपने जैसे बिजली के मुद्दे पे कहा, 2014 और 17 से पहले जो सरकारें थी बलिया नहीं, पूरे देश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली कब जाती थी कब आती थी, हम लोगों को इंतजार रहता था कि बिजली कब आएगी कब आएगी कब आएगी। लेकिन आज वही सब सारे लोग आप शहर में देखते होंगे, जनरेटर की आवाज आपको नहीं मिलती होगी, बिजली 24 आवर हम लोग को मिल रहे हैं। मैं आराम से कई लोग जो नहीं बोले अपने अपना विषय मत चुनिए, सबके अपने विषय हैं। जो नहीं बोले, हाँ पेड़ के नीचे बैठाया ही इसलिए गया है, थोड़ा जगह दे देंगे। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? पंटू उपाध्याय। और मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा हम लोग का यही रहेगा कि पिछले बार ये लोग बाबा को जबरदस्ती हरवा दिए और इस बार हम लोग बाबा को जिताएंगे। अरे बाबा आप समझते हैं, जो बाहर से देख रहा है उसको बाबा बताइए कौन? सनातन बाबा। सनातन बाबा को इस बार हम लोग जिताएंगे, बस हम लोग का यही मुद्दा है
और कोई मुद्दा नहीं, और कोई मुद्दा नहीं। हमको लगता है हमको अपना सवाल बदल लेना चाहिए, सवाल ये करना चाहिए कौन पार्टी, फिर पूछ लेना चाहिए क्या बयान। सर अनिल पांडे मुंशीपुरा, और सर हमारा मुद्दा ये है कि हम एक किसान हैं और आज की डेट में हम किसानों को खाद यूरिया भी जो भी है इस बीजेपी इतना महंग मिल रहा है और किसान अपनी कोई बात रखने जा रहा है तो उनको लाठी और कीले मिल रही है और वहीं पे कुछ आपके विजय माल्या जी मिल जाएंगे, आपके नीरव मोदी जी मिल जाएंगे जो लेकर भग रहे हैं, उनकी कर्ज माफी हो जा रही है और किसानों के ऊपर कर्ज माफी नहीं होगी। यही है भाजपा सरकार, इसलिए कुछ हम लोग आशा भरी निगाहों से इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम लोग परिवर्तन करें और बलिया में भी और देश में भी, बलिया में भी और देश में भी। जी सर, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि ये जो बलिया की लड़ाई चल रही है मुद्दों पे ही चल रही है। आप सही कह रहे थे, जो मुद्दे की बात आप कर रहे थे, यह लड़ाई सीधा सीधा जनता बनाम सरकार की है और इसका मैं एक एक फैक्ट के साथ आपको बात बता सकता हूं। आप चले जाइए बैरिया विधानसभा में, एक सोनबरसा अस्पताल है, वहां पर सरकार द्वारा जो एंटीबायोटिक भेजा जाता है, मैं साल्ट भी उसका बताना चाहूंगा, एमोक्सिलिन एंड पोटेशियम 625, जो कि मार्केट में उसका वैल्यू लगभग 250 रुपए तक का है, ये लोग किसी का हड्डी टूटता है, किसी का सर्जरी होता है तो उसे पैसे के भाव से देते हैं। एक युवा नौजवान या वृद्ध कोई भी आरटीओ में चला जाता है लाइसेंस बनवाने के लिए, मैं आपको भी कहता हूं मान्यवर, आप चले जाइए डीएल बनवाने के लिए, आपको गाड़ी चलाना आता होगा, उसके बाद भी अगर आप जब तक वहां 5000 रुपए जमा नहीं करेंगे आपका डीएल नहीं बनेगा, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, नहीं होगा साइन, आरटीओ नहीं करेंगे वहां पर। तो यहां पे चूंकि क्या है कि सनातन पांडे जी का जो माहौल ये लोग बता रहे हैं, माहौल यही है कि बीते कुछ वर्षों से वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लड़ रहे हैं उनके हक की लड़ाई, और सर कहीं ना कहीं इस बार बदलाव बलिया करेगा, बलिया बदलाव करेगा। आरटीओ पे भी बताऊंगा मान्यवर, यही विकास दुबे कांड में आपके आरटीओ निलंबित हुए थे। सर यही आपके बलिया के आरटीओ विकास दुबे हत्याकांड के बाद निलंबित हुए थे, बलिया के ही आरटीओ। आप लोगों ने बलिया के नाम को गौरवान्वित करने के बजाय डुबोने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर, जितना ऊपर और टीवी में बताती है उतना यदि आप धरातल पर मिलने का काम करेंगे तो कुछ नहीं है इनके पास, ना इनके पास कोई एक ढंग का मुद्दा है। रोजगार को जैसे यहां माननीय अंगद मिश्रा जी ने बताया कि डिफेंस के लिए लड़के बड़ी इमोशन के साथ तैयारी करते हैं, हमारा सेना किताबों के अनुसार बताया गया है कि भारतीय सेना दिखने में तो कमजोर होती है लेकिन सबसे मजबूत क्यों माना जाता है पूरे वैश्विक स्तर पर, रीजन ये है, उसका फैक्ट ये है कि इनके पास इमोशन होता है और इमोशन मतलब भारत माता के प्रति ये समर्पित होते हैं, और जिनके पास इमोशन है उनको भी छलने का इन लोगों ने काम किया 4 वर्ष का, बताइए अग्निवीर योजना लाकर। क्या यह सही है? नहीं करना चाहिए इस प्रकार का। जिस देश की सेना कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वर्क करने लगती है मान्यवर, आप समझ लीजिए कि उस देश को गर्त में ले जाने का कार्य सरकार कर रही है। चलिए हाँ आता हूँ हम जिनके पास आना चाहते हैं, उनका फोन आ गया, ठीक है, आपसे तो सुबह बात हुई थी है ना, तो जिन से नहीं हुई पहले वो कर लेते हैं। क्या नाम? भैया सही कीजिए, भैया सही बात कर। सब यही बड़ा नेता की निशानी होती है कि दो चार लोग इशारा कर ही देता है वहीं आइए। देखिए मुद्दा ये है कि धरातल पे मुद्दा है और राष्ट्र स्तर पर मुद्दा है। राष्ट्र स्तर पर मुद्दा ये है कि रोजगार लोगों के पास नहीं है, शिक्षक है जो बीएड कर चुके हैं 19 अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, हर डिपार्टमेंट में परीक्षा लीक हो जा रहा है, पहला चीज बेरोजगारी उसी तरह है। महंगाई की बात है, जो 14 में सिलेंडर 430-20 में जो भी रुपए के मिलते थे आज 1200 प्लस हो चुके हैं ना, सब्सिडी नाम का कोई मतलब नहीं है, तो ये गरीबी के लिए मुद्दा है। दूसरा मुद्दा धरातल भी ये है, जो हमारे प्रत्याशी नीरज शेखर जी हैं, जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं, इनके साथ जो समर्थक चल रहे हैं आज के डेट में, जो बलिया शहर जो क्षेत्र है व्यापारियों का है, व्यापारियों को शोषण करने वाले ये लोग हैं, यहाँ पे एक धंधा के रूप में सूदखोरी ये लोग करते हैं, चरम सीमा पे बलिया में ये लोग करते हैं, व्यापारी को पैसा देते हैं, फंसाते हैं, उससे अनुमल बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं, हफ्ता ब्याज वसूला जाता है और अंत में व्यापारियों को अपने आप को आत्महत्या करना पड़ जाता है। तो ऐसे प्रत्याशी से दूर रहिए और सनातन पांडे को यहाँ चुनाव जिताइए। ठीक है, अब यहाँ हाँ अब आप लोग को जगह देना होगा, दूसरी कतार में हम नहीं आ पाए थे। हाँ यही बढ़िया होता है कि व्यवस्था खुद बनाई जाए। क्या है मुद्दा, क्या सुन रहे हो कान में? सर बेरोजगारी मुद्दा है जो चल तो नहीं रहा था ना। सर रोजगार का मुद्दा है जो ये सरकार जीरो लेवल की रोजगारी के मामले में ये मुद्दा चल रहा है देश में, और हम लोग सभी लोग इंडिया गठबंधन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदलना है, मुद्दा यही है। बदलना है या उनको हटाना है? हटाना है सर, उनको बदलना है। तो ऐसा लगता है कि
उसी के अंदर बदलाव कर देंगे, हो जाता है। क्या नाम? सत्य प्रकाश होया। गर्दन बहुत हिला रहा था जब सामने से सब बोल रहे थे, विचार क्या है? विचार यही है सर कि देखिए हमारा मुद्दा ये है कि बलिया में हम तीन चीजें के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। पहला स्वास्थ्य और शिक्षा और बेरोजगार। सर देखिए अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे युवा पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। सर अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अगर बात की जाए स्वास्थ्य की, अगर आप चले जाइए जिला अस्पताल में सर कि हमारे यहाँ उतना व्यवस्था नहीं है, कुछ भी होता है वो लोग रेफर कर देते हैं, चले जाओ बनारस रेफर, यहाँ पे कुछ व्यवस्था ही नहीं है। तो हम चाहेंगे कि सरकार बदला जाए और बदल कर उस सारे सिस्टम को सेट किया जाए और सही किया जाए। क्या विषय है आपका? जी पहले तो महर्षि भृगु की तपोभूमि बलिया में आपका स्वागत है। विषय यह है कि ये भविष्य के लिए अच्छा है कि इस देश का युवा और नौजवान आज रोजगार पर बात कर रहा है, ये देश के लिए बहुत अच्छी चीज है। और बात रही सरकार की, तो बीजेपी सरकार में विकास हुआ है, नो डाउट कि ये नहीं हुआ है। आज देखा जाए तो बलिया में लगभग अभी प्रेजेंट में 10,000 करोड़ से ऊपर की परियोजना चल रही है। देखिए सरकार कोई भी हो, हर सरकार में कुछ ना कुछ खामियाजा होता है। तो हम लोग भी 2014 में सोचे थे कि इस देश में परिवर्तन करेंगे, हम लोगों ने परिवर्तन किया। 2019 में भी हम लोगों ने सोचा कि शायद एक मौका और देना चाहिए, तो इस देश के नौजवानों ने, इस देश की महिलाओं ने और इस देश के तमाम वो सारे लोग जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं उन लोगों ने मौका दिया। आज देश की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो है बेरोजगारी। तो निश्चित रूप से सरकार इस पे काम कर रही है, लेकिन कुछ कथा कथित लोग जैसे पेपर लीक हो जाता है या कुछ ऐसे मामले हो जाते हैं तो सरकार उस पे भी एक्शन लेने का काम कर रही है, ये नहीं है कि नहीं कर रही है। मैं बलिया की आपकी भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो यहाँ जो रोड का कनेक्टिविटी है, पूर्व में यानी वर्तमान में अभी हमारे सांसद हैं, सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी, मेरे रूप में वो बलिया के लिए विश्वकर्मा है। और हम लोग के लोकप्रिय नगर विकास मंत्री जो हैं उनके तौर पे जो है आज देखा जाए तो बलिया विकसित हो रहा है। हाँ समस्या है इस देश की, जो इस देश के जड़ में घुस चुका है वह है बेरोजगारी। तो निश्चित रूप से सरकार इस पे काम भी कर रहे है। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, जो भी यहाँ साथी नौजवान बैठा हुआ है, देखिए सोच बदलना पड़ेगा। अगर आज ये सब कोई सोचे कि सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए तो दुनिया की कोई भी सरकार हो या कोई राजनेता हो वो सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकता है। मेरा भी जीवन जो है फुटपाथ पे मैं रहा हूँ, मैं फुटपाथी रहा हूँ, मेरा बचपन फुटपाथ पे पला है। मैं पूर्व में बलिया नगर पालिका का सभासद रहा हूँ, सरकार से दो दो बार अवार्ड भी मिल चुका है और लगभग 5500 जो रेड़ी पटरी ठेला पे अपना रोजगार करते हैं उन लोगों का मैं प्रतिनिधित्व भी करता हूँ और साथ भी लेकर चलता हूँ। मैं उन नौजवान साथियों से ये भी कहना चाहूंगा, जी जी सबको सबको नहीं भगाया गया है, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपको मैं बताना चाहता हूँ, सच 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 स्वीकार कर सकता हूँ, सच मैं स्वीकार मैं सच स्वीकार कर मैं सच स्वीकार करना चाहता हूँ। पहले मेरी उसमें बात पे जवाब सुन लीजिए। सरकार लगी हुई है, जो हमारे बलिया नगर पालिका के चेयरमैन हैं उनका पर्सनल ईगो है। और बात यहाँ 5500 लोगों की हो रही है जिसमें अभी जो आप कह रहे हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ, जिसमें 300 लोग ही जो है उनकी भी व्यवस्था हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, उनकी भी दुकानें लग रही हैं। आप इसके बारे में पहले पूर्ण जानकारी ले लें। जी मैं भी और मैंने इस चीज ये ना लोकसभा की लड़ाई पालिका की लड़ाई में आ जाएगी थोड़ी देर में। हाँ ऐसी पालिका की लड़ाई नहीं है, बात तो हुई रोजगार की, तो मैं एक बहुत अच्छी चीज कहना चाहूंगा आपसे, रेडी पटरी का मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं वापस आपकी बात से भी सहमत, आपकी बात से सहमत, लेकिन क्या उसको सांसद सॉल्व कर सकता है? वो लोकल स्तर पर सॉल्व हो सकता है, यहाँ पे नगर पालिका का अध्यक्ष भाजपा का है। आप अभी ये बहस करेंगे, आपको भाजपा को कोसना है, बात अलग है, आपको सांसद के मुद्दे पर, क्योंकि इन लोगों ने वादा किया कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बना देंगे, केंद्र में राज्य में और नगर पालिका में, तो चौमुखी विकास होगा और विकास की गंगा बहेगी, नालिया रोड पे बहती है यहाँ पे, अभी ये नाला जो बना हम लोगों के प्रयास से, जी तो सुनने की क्षमता रखिए, अगर गलत कहता हूं तो इस बात को काट के अपना जवाब दीजिएगा। और विकास की बात करते हैं, अभी मैं जैसा चलिए आवास विकास का हरपुर मोहल्ला
मामला है, आधा से अधिक रोड नालियों में डूबी है। और ये किस विकास की बात करते हैं, समय से कूड़ा किसी वार्ड में नहीं उठ पाता है, यही दुर्गा मंदिर है और आगे डंपिंग ग्राउंड रहता है इस विद्यालय के बगल में। ये ना ये लड़ाई मुझे मालूम है, ये एक पालिका पर आकर रुक जाएगी। रुपया लगाया गया डंपिंग ग्राउंड के नाम पे, आज भी कूड़ा शहर में डंपिंग किया जाता है और डंपिंग ग्राउंड बसंतपुर में निर्मित किया गया है। और वहाँ देखिए शुरू कहाँ से किया था, युवाओं के मुद्दों से, आ गया कहाँ, पालिका पर। और आराम से चर्चा भी ऐसी डाइग्रेस हो जाती है, एक ही विचारधारा है साहब, थोड़ा तो विपरीत लेने दीजिए, इनसे अलग कहाँ हो गए आप। बात 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 मैं कुछ बताना चाहता हूँ, खासतौर से बहस में अलग हो गए क्या। हाँ भाई है, इस देश में मैं बीच में इनको ले दिया, फिर भी बात सुनने की क्षमता रखिए आप लोग। मैं आप लोग से कहना, संसद में जब से कहा गया खूब वायरल हुआ, सब यही बोल रहा है, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र में जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, कम से कम 200 ठेले उस क्षेत्र से निकलते हैं जिसमें फुल्की से लेके, बात रोजगार की हो रही है, बीच में कोई टके नहीं, पहले सुन ले, फुल्की से लेके चाट से लेके समोसा से लेके, यानी हर एक पहलू वहां से निकलता है। और ऐसा कोई भी एक ठेला वाला नहीं होगा, चाहे एक वहां से जो हमारे क्षेत्र से निकल के जाता होगा, जो 800 और 1000 रुपए की प्रतिदिन कमाई करके नहीं आता होगा। तो निश्चित ये नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए, परिवर्तन अपनी विचारधारा में भी करना पड़ेगा, परिवर्तन अपनी सोच में भी करना पड़ेगा। क्या है आपका नाम? My name is Divya Jyoti and I am a private teacher in the school and I आराम से, हाँ ये बढ़िया होता है हमेशा। And I want to become a government teacher and see we have no option, we have अभी अभी आप लोग मेरे को बताएंगे, एक मिनट अभी आप मेरे को बोलेंगे कि हम लोग लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लड़की बोलना शुरू की, वो छोड़कर पहले ये जो चल रहा था वो जरूरी था करना, है ना, बहुत जरूरी था वो। हाँ My name is Divya Jyoti and I am a private teacher and I want to become a government teacher. But like government has said clear cut, they had said that we have no vacancy for the government teachers. Like so what we can do? Like हमारे पास तो अब कोई option ही नहीं है। Like मुझे एक चीज पूछनी है, मतलब मैं उत्तर प्रदेश से नहीं आता, लेकिन उत्तर प्रदेश या बिहार में ये दो राज्यों को मैं अभी लोकसभा चुनाव के लिए घूम रहा हूँ, जो आपने कहा कि हमको गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए, वो क्यों सोच होती है? सैलरी, या इट्स मेन थिंग, लाइक वहाँ पे मेरा सिक्योरिटी है, लाइक प्राइवेट में जैसा नहीं है कि कभी भी हमें कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है, बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है और हमारी जॉब सिक्योरिटी है और जो मनी हमें मिल रही है वो ज्यादा अमाउंट में मिल रही है, तो हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहता है। मतलब एक नौकरी की स्थायीता और दूसरा पैसे अच्छे होना, दो कारण है कि आप लोग वो सोचते हैं। ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूं। क्या नाम आपका? सर माय नेम इज अनुप्रिया दुबे एंड आई एम आल्सो अ प्राइवेट टीचर। सो आई प्रेफर वोटिंग लाइक फॉर एजुकेशन एंड वुमेन सेफ्टी बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी। वी कैन सी दैट वुमेन्स आर नॉट सेफ इन द सोसाइटी बट वी कैन फाइंड दैट यस Government is working for it and maybe later it can be improved. So, आपका नाम? My name is संध्या वर्मा, I'm a private teacher. और मुझे लगता है कि वोट इसलिए देना चाहिए, उसे देना चाहिए जो हमारे लिए कुछ करे, जैसे कि government jobs में बहुत problem हो रही है, लग रहा है कि कुछ आ ही नहीं रही है, vacancy निकल ही नहीं रही है और light का भी बहुत issue है, मतलब ये कुछ हो सकता है तो ठीक है। चलिए अब आप जवाब देना चाह रहे थे, हाँ आप दोनों में तय कर लें कौन। हम सर दोनों देख सकते हैं जैसे आपकी, नहीं नहीं हम तो आ गए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बहुत सारे भाइयों ने अभी ये कहा कि जिला अस्पताल रेफरल सेंटर बन गया है, मुझे लगता है कि शायद विगत 4-5 वर्षों में वो जिला अस्पताल गए नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर, सरकार तो आप लोग की थी भाई साहब, लेकिन एक एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की यूनिट नहीं लगे रहते थे, ऑक्सीजन के बिना लोग परेशान। लेकिन मैं इस बात का गर्व करता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज ने प्रत्येक जनपद में सेंट्रल गैस पाइप यूनिट के तहत ऑक्सीजन पहुंचाया। आप बलिया जिला अस्पताल पहुंच जाएंगे, आप वहां देखेंगे कि उसके पहले हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था थी। यहाँ पर डायलिसिस के लिए 18 बेड का
ऑलरेडी वहां पे इतना बढ़िया सेटअप लगा हुआ है कि लोग एक रुपए की पर्ची कटाते हैं और जिन चीजों के लिए तो भाई साहब एक महीने पे नंबर आता है। इतनी बड़ी संख्या है वैसे मरीजों की कि जो लोग यहाँ से जाके 10,000-15,000 खर्चा करके जो बनारस जाते थे, आप वहाँ चले जाइए, आप वहाँ सिटी स्कैन के पूरे पूर्वांचल में सबसे बड़ी यूनिट अगर लगी है तो बलिया अस्पताल में लगा है। आप महिला अस्पताल में चले जाइए, जाके वहाँ प्रसव की संख्या देख लीजिए, एक रुपए के हॉस्पिटल में किस तरीके से आप जिला अस्पताल जाके महिलाओं की देख लीजिए, मतलब क्या व्यवस्थाएं हैं, आपको देख के लगेगा कि नहीं वो जिला अस्पताल का अस्पताल है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जो ट्रामा सेंटर बलिया हॉस्पिटल का महिला चिकित्सालय में 100 बेड का चिकित्सा कक्ष जो बना था वो सपा गवर्नमेंट में बना था, इसको मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। अच्छा, आपके पास रहूंगा तो सब शांत हो जाएंगे, इधर जाऊंगा तो सब अल्लाह आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। और दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि मेरे सरकार में बहुत काम हुआ, ऑक्सीजन प्लांट लगे, पिछले साल गर्मी के मौसम में हीट वेव में प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें बलिया में हुई थी, पूछ लीजिए उस पर विचार क्या है इनका, उस पर दो शब्द बोल ले, सच है कि नहीं? सर हिंदू मुसलमान की जहाँ तक आपने बात किया, वो हिंदू मुसलमान करते हैं, बिल्कुल छूना जरूरी है ना, बिल्कुल छूना जरूरी है, इसलिए छूना जरूरी है कि हाँ हम लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, क्योंकि मुसलमानों की स्थिति बलिया में काजीपुरा क्षेत्र है, अगर आप जाके देखेंगे अभी कम से कम 10 रोडे बन रही हैं, पहले काजीपुरा में पूरा का पूरा पानी लगा होता था, अगर ये लोग मुसलमान हिंदू मुसलमान उनका वोट लेते थे तो अभी तक रोड क्यों नहीं बना था। आप भाई साहब उत्तर प्रदेश के बाहर से आते होंगे, हमको पूरा यकीन है कि आप रास्ते में आएंगे मुख्य मार्ग से, आपका कमर दर्द नहीं किया होगा, एक मुख्य मार्ग बता दिए जहाँ पे गड्ढा हो, पूरे मुख्य मार्ग पे गड्ढा मुक्त हो चुका है, बस यही बोलना था। आप जिस तरीके से हाँ मैंने ये कहा कि आपने जैसे कहा कि 2017 में भी और 2019 में भी बहुत विकास के मुद्दे हुए, सारी चीजें हुई, लेकिन इस बलिया की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने सब समाजवादी पार्टी के सरकार को नकारा है और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ की आम जनमानस पूरी तरीके से दिख रही है कि सपा के शासन में और भारतीय जनता पार्टी में कहाँ हमारी सुरक्षा है। आज महिलाएं और माताएं बहने 10 बजे रात में भी अगर स्टेशन से घर पहुंचना है तो लोग निकलेंगे, सुरक्षा है। मेरी बात मैं खत्म करूंगा, देखिए एक कोविड टाइम में हमने एक जनसेवा के लिए समूह बनाया था जिसके सदस्य ये भी थे, और पूरा देश जिस समय कोविड में तड़प के बेड ऑक्सीजन के कमी से मर रहा था, ये हमारे साथ सहयोगी रहे, ऑक्सीजन हम लोग मऊ से जाके मैजिक में लदवा ऑक्सीजन सिलेंडर वेल्डिंग वाले दुकानों से निकलवा हम लोगों ने जनसेवा किया है, इस बात से भी आप नहीं इनकार कर सकते हैं, ये साथ सहयोगी साथ में थे ना, वो भी आपको जोड़ लेंगे, सहयोगी थे, लेकिन इनके पार्टी के कोई नेता कोई पदाधिकारी रोड पे नहीं दिख रहे थे, इनको ये इंडिविजुअल उनकी पार्टी का नेता पदाधिकारी ही मानिए, उनको नहीं मानते हैं ना, नहीं मानते, बिल्कुल क्योंकि वो पार्टी, मैं बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जो काम आपके साथ हो रहा है वो पार्टी से हटके, जो काम आपके विरोध में पार्टी सही काम होगा, मैं बताना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे तो घोषणा पत्र लेकर आए थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, बहुत सारे वादा किए थे, अच्छे दिन आएंगे, लोगों का भविष्य सुधरेगा, सुने मेरी बात, सुन एक मिनट, ऐसे बोले थे उसी बात को, उसी बात को लेकर उन्हीं के मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक मीडिया पत्रकार में पूछा था सवाल कि आपके मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, उन्होंने बोले ये तो जुमला है, फिर वो लोकसभा के संसद भवन में भी बोले यदि रोजगार जो 20 लाख रुपया लगा के इंजीनियरिंग कर रहा है, ये 50 लाख लगा के कोई और पढ़ाई कर रहा है, यदि उनको नौकरी नहीं मिलता है तो ठेली लगाए, जो 2,000-5,000 के नौकरी है उसमें 500 रुपया कमाए, फिर उसके बाद अगला बार आइए, जब 2019 में आए तो एयर स्ट्राइक हुआ था, उनको साथ दिया एयरफोर्स के, देखते हैं किस प्रकार से लोगों ने किया, अब इसके बाद मोदी जी ने तीसरा गारंटी लेकर आ गए हैं कि मेरी गारंटी, अब किस प्रकार से देश के नौजवान उन पे विश्वास करें, वो बोलते हैं कुछ और उनका मिनिस्टर बाद में चुनाव जीतने के बाद बोलता है कुछ और, अब इसी से प्रूफ होता है कि देश के नौजवान अब बरगलाने के लिए नहीं बचे हैं, अब ना उनके बातों को विश्वास कर रहे हैं, इसलिए पिछले चुनाव आ रहे हैं, दर चुनाव आप देखते रहिए, मोदी जी का घबराहट बढ़ता जा रहा है। इस चर्चा का आखिरी कमेंट ले रहा हूँ, आपसे शुरू किया था इसलिए यहाँ खत्म कर रहा हूँ,
2014 में देश के युवा ने अपने विश्वास को मोदी के नाम पर दिया, 2019 में पुनः एक बार, 2019 में भी देश के युवा ने अपना विश्वास मोदी जी के पक्ष में दिया, और इस बात की गारंटी है पूरे देश के अब हम कह रहे हैं बस इस बात को कि 2024 में 400 पार का नारा वो युवाओं सच करेंगे, एक बूथ 10 यूथ, इसका नारा युवाओं ने दिया है, और निश्चित रूप से पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और तीसरी बार पुनः एक बार मोदी जी कुर्सी पर आसीन होने जा रहा है। हर चर्चा प्रचार से ही खत्म हो जाती है, वही इस चर्चा में भी हुआ। मैं अपनी ओर से एक लाइन बोलकर चर्चा को विराम देना चाहता हूँ। कोशिश यही थी जिसको आप लोगों ने साकार कर दिया। हमको कोई बोला था बलिया में शो करना मुश्किल होगा, और हमने बोला था बलिया पर बहुत विश्वास है, बड़े आराम से चर्चा होगी। वो खुद मना कर रहे हैं और आप उनकी लड़ाई लड़े जा रहे हैं। हाँ, तो मैं अब खत्म कर रहा हूँ तमाम दोनों पक्षों के बाद, लेकिन मेरी ओर से सिर्फ एक अपील ये है कि युवाओं में हिम्मत बहुत है, बहुत बहुत दम के साथ जब जयकारे लग जाए तो एक जयकारा मैं बता देता हूँ किस नाम का लगा देना। वो इस नाम का लगाइएगा, सुन लीजिए, वो इस नाम का लगाइएगा कि जब आप लोग अपने अपने हिस्से की ताकत दिखाएं, आप तमाम लोग अपने हिस्से की जब ताकत दिखाएं तो वो ये भी दिखाएं कि मतदान खूब हो। जब घर घर जाकर प्रचार करेंगे ना, तो एक काम हमारा करना बोलना कि हम लोग तो अपने अपने हिस्से का मुद्दा बोले, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का एक काम पकड़ा दिया अमर उजाला वालों ने, और वो काम ये कि जिस भी घर में जाइए, जिन भी लोगों से मिलिए, उनको बोलिए मुद्दा अपना अपना बताते रहिए, जनता अपने हिस्से का मुद्दा चुन लेगी। लेकिन वो आप लोग बोलते हैं ना बलिया नंबर एक होना चाहिए, बलिया बागी होना चाहिए, तो इस बार जो मतदान का प्रतिशत कम दिख रहा है उस कम प्रतिशत से बगावत करिए, और हम भी देखेंगे कि बलिया कितने प्रतिशत मतदान करता है। इसी अपील के साथ कि आप लोग खूब साथ देंगे उस बात में भी, इस चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद।